नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्म परानंदं ईश आळंदी वल्लभं माधुर्यरस कल्लोलां शिवशक्तिकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनीं। घोर कलियुगे प्राप्ते सर्वधर्म विवर्जिते वासुदेव परामर्त्यास्ते कृतार्थान संशय। आरंभ में ही श्रीमद् भागवत जी की ओर अगर हम देखेंगे तो श्रीमद् भागवत जी में वेद महर्षि व्यास जी कलियुग के बारे में बताते हैं, जहाँ कहते हैं यत्र घोरेर कलियुगो, जहाँ घोर ही घोर है। उदरम भरणो जीवावरा का कूट भाषण, उदर भरण हेतु व्यक्ति अपने व्यवहार को भूल जाएगा। श्रेयस क्या है और प्रेयस क्या है ये समझने में अंतर कर देगा। जीवन की इस विशेष चकाचौंध में स्थाई क्या है और अस्थाई क्या है इस ओर देखेगा नहीं, और तब सदग्रंथ मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं बारंबार हमेशा ही उस परंपरा को नमन करती हूँ जिस परंपरा में गुरु नानक सिंह जी आपका अवतरण हुआ, जहां एक समय होने के पश्चात छठे गुरु से ही आरंभ हो चुका था कि एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति में गुण दोष समयानुसार, वातावरण अनुसार, प्रकृति अनुसार या विकृति अनुसार व्यक्ति में गुण दोष रहेंगे। तब छठे गुरु से ही आरंभ हो चुका था कि अब गुरु परंपरा के लिए सदग्रंथ ही सहायक बनेंगे, व्यक्ति के दिशा दर्शक होंगे। और तब से जो कार्य चला वो कार्य चलते चलते आ पहुंचा। उसके पश्चात हमें गुरुवाणी मिली, उसके पश्चात हमें गुरु ग्रंथ साहब मिले। कुछ दिन पूर्व पंजाब में सेवा का अवसर पाया तो गुरुवाणी सुनने का अवसर मिला, गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन का अवसर मिला। एक बात विशेष तौर पे पाई, जगत में घूम घूम के जितने भी संतों हैं उन संतों के अनुभव अगर आप कहीं एकत्रित प्राप्त करना चाहोगे तो आपको गुरु ग्रंथ साहब में मिलेंगे। और विशेष तौर पे जब समय आता है तब कोई पथ हमें दिशा दर्शन कराए या न कराए, सदग्रंथ और संत हमें दिशा दर्शन कराने के लिए पर्याप्त है। क्या कोई पथ, कोई प्रथा, कोई परंपरा, परंपरा अक्सर हम कहते आए हैं कि परंपरा, इन परंपराओं में वैविध्यता है। वैविध्यता तो है, कुछ परंपराएं जो अत्यंत पुरातन हैं उस परंपरा को परिवर्तित करना भी हमारा दायित्व है। पर एक बात ध्यान रखते हुए, परंपरा में परिवर्तन हो, परंपरा में सुंदरता और अधिक लाने के लिए, परंपरा में परिवर्तन हो पर उस परिवर्तन का आधार विविधता हो, विचित्रता ना हो। आप वस्त्र पहनोगे
अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनोगी, सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनोगी, पहनना भी चाहिए, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनना और हमारी परंपरा के अनुसार पहनना। परंपरा में थोड़ी सी विविधता आए, अलग थोड़े रंग आए, थोड़ी थोड़ी सी अलग कोई क्वालिटी आए तो ठीक है, पर परंपरा में विविधता छोड़ के जब विचित्रता आती है तब गड़बड़ होती है। तो परंपरा में विचित्रता न आए इसलिए भले कोई पथ दर्शन हो या न हो, पर संतों से और सदग्रंथों से सदा 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 पथ दर्शन होते आया है। सुन रहे हैं ना? आज मैं ठान के आई थी मैं पूछूंगी नहीं सुन रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि हर दिन पूछना भी अच्छा नहीं है, अब तो हमें अभ्यास हो जाना चाहिए। अब पहले दिन तो हम पहली कक्षा में थे, दूसरे दिन दूसरी, आज तो हम आगे बढ़ चुके हैं, तो आज तो हमें और सावधानता के साथ कथा सुननी चाहिए।